हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के एक नई वीडियो में। मेरा नाम है दीपक और आज लेकर के आए हैं एक दूर से खबर, एक नई ट्रेन के बारे में। नई ट्रेन का हो या पुरानी ट्रेन का ही एक नया वर्जन बोल लो, आपकी मर्जी। अभी भारत में टोटल 23 वंदे भारत ट्रेन अलग अलग रूट्स पर अपनी सर्विसेज दे रही है। 24वीं गोरखपुर और लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी लॉन्च होगी और इसके बाद अब बारी आ रही है वंदे साधारण ट्रेन की। ये कैसी ट्रेन है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि रेलवे हमारे देश में एक आम इंसान की सवारी है ना। काफी सस्ता होता है रेलवेज, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ से एक वंदे भारत जाती है वाराणसी। कुछ दिनों पहले जब मैंने इसका टिकट का प्राइस चेक किया तो एसी चेयर कार का 1805 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 3355। अब क्या हर कोई इंसान इंडिया में इस प्राइस पे ट्रेन पे ट्रेवल कर सकता है? नहीं। और हम तो बोल रहे हैं इंडिया में लगभग हर एक रूट में ट्रेन को वंदे भारत से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये क्या बात हुई फिर, नॉर्मल इंसान कैसे ट्रेवल करेगा? हर कोई तो 2000 रुपए नहीं दे सकता ट्रेवलिंग के लिए। इसलिए रेलवेज नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान के लिए जो नई ट्रेन बना रही है, इनका नाम है वंदे साधारण। यह ICF चेन्नई में ही बनाई जाएंगी और इसी साल के एंड तक आपको पहली ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसका दाम कम होगा वंदे भारत से 65 करोड़ में तैयार हो जाएगी। इसमें 24 LHP कोचेस होंगे। पूरे ट्रेन में पुल पुश मेथड को यूज करते हुए इसके आगे पीछे दो लोकोमोटिव लगे होंगे। ये पुश और पुल सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि ट्रेन के एक्सेलरेशन को ये बहुत अच्छा कर देता है। इसमें प्रॉपरली CCTV कैमराज होंगे ट्रेन में। ऑटोमेटिक डोर्स होंगे जैसे वंदे भारत में है। बायो वैक्यूम टॉयलेट्स होंगे जो एयरक्राफ्ट्स में होते हैं और हमारी वंदे भारत में भी हैं। लेकिन इसमें AC नहीं होगा पूरी ट्रेन में। अब रेलवेज भी कहीं कुछ तो कटौती करेगी ना, नहीं तो पूरी वंदे भारत ही बन जाएगी वो। मैं आपको स्क्रीन पे वंदे भारत की ही वीडियो दिखा रहा हूं अभी, वो बस इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कि वंदे साधारण का डिजाइन ऐसा ही होगा या कुछ तो थोड़ा बहुत वो चेंज करेंगे। इसलिए क्योंकि अभी डिजाइन नहीं है, मैं स्क्रीन पे वंदे भारत की फुटेजेस ही चला रहा हूं। इनका जो टिकट प्राइस होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा जो हम रेलवेज में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इनमें फिर भीड़ भी हो सकती है, ये बात भी है, ठीक है, क्योंकि रेलवेज के हिसाब से स्लीपर और जनरल फैसिलिटीज के कोचेस दोनों वो बनाएंगे इस ट्रेन के लिए। ICF के अंदर इसके साथ साथ वंदे मेट्रो का काम भी अब शुरू होने जा रहा है। और मुझे बताना जरा आप लोगों ने ये चीज पहले कभी नोटिस की थी, कभी सोची थी कि वंदे भारत ट्रेन का ऐसा एक अल्टरनेटिव की जरूरत है जो थोड़े कम प्राइस पे हो? क्योंकि वंदे भारत के टिकट प्राइस एक्चुअली बहुत कम लोग इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं। और आम जनता को ध्यान में रखते हुए रेलवेज ने जो ये किया है, रेलवेज के स्टेप जैसे वंदे साधारण के लिए क्या कहना चाहोगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो में अभी तो इतना ही, मुझे सिर्फ ये अपडेट देना था इस वीडियो में। मिलूंगा नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद।